हेलो दोस्तों, पर्सनल मैच चलो यूनिक आइटम आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप पेटीएम में अगर डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो आप अपने एड्रेस पे कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी सारा पेटीएम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है और वहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट मुझे यही आता है कि जब भी हम डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो जो भी हमारा आधार कार्ड में एड्रेस है उसी एड्रेस आ जाता है बाई डिफ़ॉल्ट, और जो हम वो एड्रेस तो नहीं है, हम और कोई एड्रेस में है, तो वो हम और कोई एड्रेस में कैसे मंगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो काफ़ी सारा कमेंट आने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि कैसे आप कोई मल्टीपल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप आपका आधार कार्ड में कोई एड्रेस है मगर आप वो लोकेशन पे नहीं, अदर कोई लोकेशन पे है, तो आप वो लोकेशन पे या और कोई एड्रेस कैसे ऐड कर सकते हैं, या अदर कहीं लोकेशन पे आप कैसे आप अपना डेबिट कार्ड मंगा सकते हैं, कंप्लीट इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और वीडियो पहले देख सके। अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पे जाके बताऊंगा, पूरा वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है कि आप कैसे एक और एड्रेस एंटर कर सकते हैं अपना पेटीएम आईडी में, और जो भी अपना डेबिट कार्ड मंगाना चाहते हैं वो और कोई एड्रेस में कैसे मंगा। जैसे कि इस वीडियो में बात करें कि आप जब भी अपना डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं तो आप कैसे अपना करंट लोकेशन में ऑर्डर कर सकते हैं। पहले जो एड्रेस भरा होता है यहाँ पर, आप जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पेटीएम पेमेंट बैंक ओपन करता हूँ। जब भी मैं पेटीएम पेमेंट में ओपन करूँ तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँगा डेबिट कार्ड पे और मैं डेबिट कार्ड ऑर्डर करूँगा, तो मैं यहाँ पे डेबिट कार्ड पे जाता हूँ और ऑर्डर डेबिट कार्ड, तो ऑर्डर डेबिट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आपका इसी एड्रेस दिखाया जाता है, जो भी आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस दिया होता है यही एड्रेस यहाँ पर दिखाया जाता है। मगर यहाँ पर एड्रेस चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये आप आधार कार्ड का एड्रेस में नहीं है, आप अपना और कोई अदर एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो कैसे मंगा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा प्रोफाइल सेक्शन पे। तो हम यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं और चलते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। जब ये प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रोफाइल सेटिंग पे जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल सेटिंग, तो हम चलते हैं प्रोफाइल सेटिंग पे। जैसे आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है, प्रोफाइल सेव एड्रेस, तो हमको जाना है सेव एड्रेस पे, तो हम सेव एड्रेस से आते हैं। देखिए, आधार कार्ड में जो भी एड्रेस होता है तो बाई डिफॉल्ट ये एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका कोई और एड्रेस अगर ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड न्यू एड्रेस का ऑप्शन, तो आप ऐड न्यू एड्रेस करिए और आपका नाम, एड्रेस, जो भी आप एड्रेस यहाँ पर देना चाहते हैं, कोई भी और कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ से इजीली कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसी एड्रेस को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो एडिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट है, ट्रिपल डॉट पर क्लिक करिए और आप यहाँ पर एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट कर रहा हूँ, और आप जब भी कोई एड्रेस ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ऐड को एड्रेस को चूज करना है। तो मैं आपको एक एड्रेस ऐड करके दिखाता हूँ, तो ऐड ऐड न्यू एड्रेस पे क्लिक करता हूँ। देखिए, मैं और एक एड्रेस सेव किया हूँ, मेरा ये पहला पुराना वाला एड्रेस है और मैं नया एड्रेस सेव किया हूँ, तो इसी एड्रेस को बाय डिफॉल्ट एड्रेस कैसे चूज करूँ, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा और मेक डिफॉल्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। जब मेक डिफॉल्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए डिफॉल्ट का ऑप्शन आ चुके हैं, और हम चलेंगे अगर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे, हम डेबिट कार्ड को फिर से ऑर्डर करेंगे पेटीएम पेमेंट बैंक में जाके। तो चलते हैं अभी एक डेबिट कार्ड ऑर्डर करते हैं, अभी देखते हैं मैनेज कार्ड और ऑर्डर डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप आपका यहाँ पर आप दो तीन जो भी एड्रेस होगा, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना एड्रेस को चेंज करके या मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आप कोई एड्रेस डिलीट भी करना चाहते हैं तो ईजिली आप यहाँ पर जाइए और आप सेम प्रोसेस है, प्रोफाइल सेटिंग में जाइए और सेव एड्रेस में जाइए, और जो भी एड्रेस को आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट कर लीजिए। तो मैं पहले इसको डिफॉल्ट करता हूँ और इसको डिलीट एड्रेस पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए मेरा एक एड्रेस रह गया। तो आप ऐसे अपना डेबिट कार्ड मंगाने टाइम एड्रेस चेंज कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस देकर आप अपना डेबिट कार्ड को मंगा सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप अपना और एक एड्रेस एंटर कर सकते हैं पेटीएम में, या डेबिट कार्ड को और कोई एड्रेस में मंगा सकते हैं। जो उम्मीद है आपको पूरा समझ आ चुका होगा और आप अभी अपना एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करिए, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और वीडियो को पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नया बात और कुछ नया जानकारी लेके।